हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। आज से हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम सीबीएसई का एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या है, थ्योरम्स आते हैं और थ्योरम्स के प्रूफ भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई की तरफ से कौन से थ्योरम्स विद प्रूफ आएंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। राइट, सो देखिए, ये ऑफिशियल साइट है, ये जो है ये cbse.nic.in की ये ऑफिशियल साइट है। वहाँ पे अगर आप एकेडमिक्स यूनिट में जाओगे और फिर मैथ्स सेक्शन में जाओगे, उसी तरह से सोशल साइंस भी है, साइंस भी है और इंग्लिश भी है, तो आप सबके मतलब ये और ये देखिए, ये सेशन 2024-25 का है, मतलब कि ये लेटेस्ट है। ठीक है, अब हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लास 9। ओके, क्लास 9 में हम पहले हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, ये है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल्स में ये देखिए प्रूफ करना है, द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब पैरेललोग्राम के थ्योरम्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको प्रूफ ये करना है, मतलब कि इट इज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका प्रूफ के साथ आपको प्रिपेयर करना है। एक भी सेंटेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही करना है। ओके, बिकॉज ये थियरम है, ये प्रूव्ड है और आपको ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट करना है। राइट, सो और दूसरे जो भी थियरम्स है, देखिए ये सारे जो भी थियरम्स है वो सारे सिर्फ मोटिवेट करने, मतलब कि आपको इसके एप्लीकेशन आएंगे सम्स में। ठीक है, लेकिन उसके प्रूफ नहीं करने। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल्स। सो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, एक फोर साइड क्लोज फिगर जिसमें पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, मतलब एक क्लोज फिगर, एक पॉलीगन विद क्लोज फिगर, जहाँ पे फोर साइड्स वाली कोई भी क्लोज फिगर हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स में हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे विथ प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है एज अ थियरम। फाइन, चलिए, वैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो हमने पैरेललोग्राम की पहले अर्लियर स्टैंडर्ड्स में भी हमने देख लिया है, एट स्टैंडर्ड्स में भी। बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या है, केवल और इक्वल है उसके। सो लेट अस स्टार्ट, डायगोनल थियरम वन है, ये प्रूफ के साथ आएगा। सो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना वो सीधा प्रूफ दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये गिवन कि आपको दिया क्या है, व्हाट इज़ द गिवन कंडीशन, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ए सी डायगोनल है, वो दिया हुआ है। ठीक है, और ए सी डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में, जो कि है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, ये ट्राइंगल नंबर वन है और ये ट्राइंगल नंबर टू है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये इसी तरह से इसको प्रेजेंट करो, बहुत अच्छा लगेगा। फिगर इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, आपको ऐसा लगे कुछ तो है नहीं, सिर्फ पैरेललोग्राम में फिगर की क्या ज़रूरत है, नहीं, ज्योमेट्री, कोई भी ज्योमेट्री के सम्स आप फिगर के बिना नहीं करोगे। ठीक है, अगर दो मार्क का है ना तो हाफ मार्क फिगर का है, फाइन, और दूसरे सारे ऐसे स्टेप्स के हैं। सो चलिए प्रूफ पे जाते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए जो है वो तो ऑब्वियसली दो ट्राइंगल में क्या है कि बी सी और ए डी पैरेलल है और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, मतलब कि ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल के रूल तो हमें पता ही है, उसमें ऑल्टरनेट एंगल्स लगेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स लगेंगे, ठीक है, सब लगेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए BCA मतलब कि ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, मतलब अगर मैं नंबर लिख देती हूँ, नंबर वन इज़ इक्वल टू नंबर टू, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए AB, अब ये दो पैरेलल है तो AB और AC भी पैरेलल है, AB और CD भी पैरेलल है, ठीक है, और उसका भी ट्रांसवर्सल क्या है, AC ही है।
तो बी ए सी मतलब कि ये एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, वो भी क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. एंड ए सी इक्वल्स टू सी ए, कॉमन एंगल, ठीक है. तो मतलब हमने क्या किया, देखिए ये एक एंगल प्रूव कर दिया, एक ये एंगल प्रूव कर दिया, और ये कॉमन साइड दो ट्राइंगल्स की जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था. सो बाय ए एस ए रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया ये. ओके, सो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ये, और समझ के लिखोगे तो ईजी रहेगा, कुछ याद या मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी. चले अब, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन, मतलब सारे थियरम्स का एप्लीकेशन होगा सम्स में. तो बेटा बराबर से ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे थियरम्स याद रखना है. जहाँ पे पैरेललोग्राम आया ना, तो ये ना ऐसे पॉपअप होना चाहिए आपके दिमाग में ऊपर, ठीक है, कि हाँ ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, उसका रिवर्स भी होगा, ये वो, ठीक है, वो हम कर लेते हैं. चलिए, सो थियरम 8.2 क्या है, कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो तो पता ही है. सो इन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब देखिए पैरेललोग्राम में साइज इक्वल होती है, लेकिन अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो जहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. तो मतलब ये क्या हो गया, ये कन्वर्स हो गया ऑफ 8.2, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है. अब पैरेललोग्राम्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, ठीक है. तो ये देखिए ये क्या है, कि इन क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो जहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो उसको पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये भी क्या है, कन्वर्स है ऑफ 8.4, ठीक है, मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है. उसी तरह से 8.3 और 8.2 भी इंटरकनेक्टेड थे. अब देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये बड़ा, ये बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, बाइसेक्ट एट राइट एंगल. देखो ध्यान से देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है. ये देखो ए सी और बी डी आपका क्या है, डायगोनल है, ठीक है. सपोज आपका बी डी सपोज 6 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे ओ है. अब ये पैरेललोग्राम में क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करता है. मतलब अगर ए सी 8 है तो ये 4 हुआ और ये 4 हुआ, और बी डी 6 है तो ये 3 हुआ और ये 3 हुआ. डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है. देखो बहुत, मतलब ये क्या है पता है, ये सब समझने की भी इतनी चीज़ है. सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल एट राइट एंगल, ऐसा कुछ नहीं है, ओके. अब इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ रेपेयर, मतलब ये फिर से इसका कन्वर्स हो गया, कन्वर्स ऑफ 8.6, मतलब इसका वाइस वर्सा भी हो गया. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उसके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है, राइट. सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेललोग्राम की है, ओके. और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें सारे सम सॉल्व करने हैं. इसके आगे फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो और फिगर्स की ऐसी प्रॉपर्टीज आएगी, ओके. तो मतलब जैसे जैसे आप कर रहे हो अभी, तो क्या होगा, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो पैरेललोग्राम की डिपेंड होगी. तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि चलो आ गया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, पूरे चैप्टर का आएगा, पूरे बुक का आएगा, तब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, ओके. चलिए, सो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल देन शो डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. सबसे पहले क्या दिया है, डायगोनल्स और पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल है वो, ठीक है. इफ द डायगोनल्स और पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. अब देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, येस. देखिए अगर मैं देखूँ तो ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है.
तो ऑपोजिट साइड्स, ओके, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे भी सेम है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, ओके। सो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। चलो अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे कोई भी एक एंगल, मतलब कि सारे एंगल्स मुझे प्रूव करने पड़ेंगे 90 डिग्री। अगर मैं वो प्रूव कर लूँगी, मतलब कि ये ए 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, अगर मैं वो प्रूव कर लूँगी तो ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये क्या है, इधर इट इज गिवन, ओके। अब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ए सी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज गिवन। ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू सी बी, क्यों, ये कॉमन साइड्स, सो हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ओके। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो बाय सीपीसीटी जो है वो एंगल्स भी तो इक्वल हो गए, मतलब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ठीक है। ए बी सी मतलब कौन सा, ये रहा, देखिए ए बी सी मतलब कि ये वाला रहा, मतलब कि वन, ओके। और डी सी बी, डी सी बी मतलब कि ये वाला, ठीक है, वो टू, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन ये है क्या, ये दोनों है क्या, अगर ए बी और सी डी, देखिए ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है वो दिया हुआ है, तो ये क्या है, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल हुए, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेट ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, ओके। सो फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या मिलेगा, ये तो दोनों इक्वल है, सो टू ए बी सी इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री, ठीक है। डेट इज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम हैविंग एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ओके, फाइन। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब यहाँ पे तीन चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी डायगोनल्स दी हुई है, हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, डेट इज़ हमें तीन चीज़ प्रूव करनी है, डेट ए सी इज इक्वल टू बी डी, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब सपोज यहाँ पे ओ है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ इज़ अ मिड पॉइंट अगर मैं प्रूव कर लूँगी, ठीक है, ओ मिड पॉइंट में प्रूव कर लूँगी तो ऑब्वियसली ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा।
एंड एट राइट एंगल मतलब कि ओ को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ओ मुझे 90 डिग्री अगर मैं प्रूव करूँगी तो ये तीनों चीज़ हो जाएगी प्रूफ, फाइन। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे टू प्रूव डेट डायगनल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे हम, ठीक है, ए बी सी एंड बी ए डी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, क्यों कॉमन, फिर बी सी इज इक्वल टू ए डी, स्क्वेयर दिया है सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वेयर, फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज इट इज़ गिवन, इट इज़ अ स्क्वेयर, सो बाय सी पी सी टी ये दोनों, मतलब सॉरी ये दोनों तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, सो बाय सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ठीक है। अब मुझे बाइसेक्ट ईच अदर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ओ को मिड पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ओ को मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए देखिए ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा नंबरिंग कर लेती हूँ तो आपको थोड़ा सा और इजी रहेगा। देखो AD is parallel to BC, ठीक है। तो अगर मैं ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, तो यहाँ पे अगर AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल थ्री हो गया, ठीक है। इंटीरियर alternate angles, similarly angle 2 is equal to angle 4, वो भी क्या हो गया interior alternate angles, ठीक है। so triangle, अब मैं कोई दो triangles ले लेती हूँ इसके अंदर, देखिए triangle OAD मतलब कि ये वाला ठीक है, और ट्राइंगल ओ सी बी मतलब कि ये वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स मैं ले लेती हूँ, ये मैं यहाँ पे ही करती हूँ ताकि दिखे। सो इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, देखो ओ को मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, तो ओ मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो ए डी इज इक्वल टू सी बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वेयर, ठीक है। फिर जो हमने प्रूव किया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, ये क्या है, ये हमने प्रूव्ड किया है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी बाय ए एस ए क्राइटेरिया, ठीक है, ओके। सो बाय सी पी सी टी ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, हैंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, हैंस डायगनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, ठीक है, मुझे खुद को पता है। सो ये हमें अगर मैं ए सी
परपेंडिकुलर टू बी डी प्रूफ कर लूँगी तो मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं ओ बी ए एन ओ डी ए लेती हूँ ट्राइंगल। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमने प्रूफ किया, वी हैव ऑलरेडी प्रूफ्ड। फिर बी ए इक्वल्स टू डी ए, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वेयर। फिर ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। सो ट्राइंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी ए बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। सो बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। लेकिन ये ए ओ बी और ए ओ बी मतलब कि ये फाइव और ए ओ डी मतलब कि ये सिक्स, तो ये तो लीनियर पेयर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। बट दे फॉर्म द लीनियर पेयर्स, सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, सो टू टाइम्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। Hence AC is perpendicular to BD. Okay, so ये जो हमने प्रूव किया, so hence AC and BD finally are equal and bisect each other at right angle. ठीक है, मतलब यहाँ से इससे आपको स्क्वायर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, फाइन, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।